नमस्कार दोस्तों, इसी तरह आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। इधर हम बात करने जा रहे हैं नोटिस यूनाइटेड एफसी के बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आए हो। नए प्लेयर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, देखते हैं डिटेल्स में। काफ़ी मजा होने वाला है आज की ये वाला वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाले, छोटी सी वीडियो होने वाले, लेकिन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने जा रहा है। चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत बड़ी टाइम नहीं लेने वाला हो, थोड़ी सी टाइम आप इस वीडियो को देना चाहिए। और जहाँ आपको ISL के बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, देखते हैं डिटेल्स में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो काफ़ी भी अच्छा लग जाए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहला जो अपडेट इधर हमें देखने को मिल रहा है वो है 18 जनवरी की, यानी कि कल जो हमें मैच देखने को मिलेगा वहां खेलने वाले जमशेदपुर FC और बेंगलुरु FC। दोनों टीमों के बारे में अगर बात करें, दोनों टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेल दिखा सकता है। और ऐसे में आपको मैं बोलूंगा भाई, ये जो मैच होने वाले बहुत ही टक्कर की मैच होने वाले, इस मैच को जरूर लास्ट तक देखना, काफी अच्छा खेल होने वाला है। सेकंड जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है चेन्नई की तरफ से। जी हां, चेन्नई FC ने एक बहुत अच्छा प्लेयर को साइन किया। अगर बात करें इस प्लेयर के बारे में, जो कि एक डिफेंडर है, डिफेंसिव में खेलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है भाई फुटबॉल की बारे में अगर बात करें, डिफेंडरों की काफ़ी ज़रूरत होती है। और ऐसे में अगर देखा जाए, जो कि बहुत अच्छे डिफेंडर साइन कर लिया चेन्नई FC ने। उसी के साथ अगर बात करें इस प्लेयर की एज जो है 19 ईयर्स एज है, मतलब भाई एक यंग प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल दिखाने वाला है। वही अगर बात करें ये प्लेयर जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, तो भाई आपको बता दूं मणिपुर की बहुत सारे ऐसे प्लेयर हमें देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल खेलते हैं। और ऐसे में अगर बात करें ये प्लेयर जो कि एक लोकल प्लेयर है, आगे जाके बहुत अच्छा हमें खेलते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें जो इस प्लेयर की नाम है विकास यूम नाम, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है और आगे जाके ये प्लेयर बहुत अच्छा खेल दिखाने वाला है चेन्नई FC में। चलिए अभी हम बात करते हैं जो कि नेक्स्ट अपडेट आ जाते हैं, वो है नोटिस यूनाइटेड FC और FC गोवा के बीच जो हमें खेल देखने को मिला। और ऐसे में अगर बात करें, दोनों टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल दिखा, काफ़ी टक्कर की हमें इधर मैच देखने को मिला, जहां नोटिस यूनाइटेड FC ने भाई 2 गोल बहुत ही अच्छे से डाला था। लेकिन वही अगर बात करें, FC गोवा ने भी 2 गोल डाल दिया था। और ऐसे में हमें एक खेल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल देखने को मिला। और अगर बात करें इस मैच के बारे में, जहां हमें एक ड्रो खेल देखने को मिला, लेकिन भाई नोटिस यूनाइटेड FC बहुत अच्छा खेला। और ऐसे में अगर बात करें, नोटिस यूनाइटेड FC का खेल थोड़ा सा हमें इंप्रूव देखने को मिला, लेकिन बात वही है कि भाई अभी क्वालिफाई होने की कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जो कि नोटिस यूनाइटेड FC का खेल थोड़ा सा हमें इधर इंप्रूव देखने को मिला। जो भी है भाई, खेल अच्छा होना चाहिए, क्वालिफाई हो या ना हो वो अलग बात है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर देखा जाए खेल की में, तो इधर नोटिस FC बेहतर खेल हमें दिखाया। तो ये था आज की छोटी छोटी 3 अपडेट। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे वीडियो आगे भी आने वाला है तो भाई चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जो भी है भाई जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।